बीते दिन ही बटाला के शिवशंकर मुहल्ला दे जमीन हेठा धस गई, जिस तों बाद हाहाकार मच गई। लोगों के सहम का माहौल बन गया क्योंकि जमीन जिहड़ी अचानक ही 10 फुट हेठा धस गई है, जिसकी इतलाह मिलते सार ही प्रशासन हरकत दे विच आ गया। वड्डा नुकसान ना हो उसनों लैके प्रबंध करने भी शुरू कर दिए। दस दिए कि धसी हुई जगह पर नगर निगम बटाला के वलों MLA बटाला हिदायतों से तुरंत काम शुरू किया गया अते कंक्रीट के नाल तसी जगह नू भरन का काम शुरू किया गया सी। अते इसे दौरान चल रहे काम का जायजा लैण के लिए नगर निगम बटाला दी कमिश्नर SDM भंडारी भी पहुंची। इस मौके उन्होंने कहा कि काम लगातार चल रहा है, 4 तो 5 दिनों के काम मुकम्मल हो जाएगा। अते नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि शिवशंकर मुहल्ले के पुरानिया रिहायशा इमारतों के मालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं कि वह अपनी इमारतों का निरीक्षण करवाउण ताकि आने वाले समय के कोई वड्डा हादसा ना हो सके। बटाला तो विक्की मलिक की रिपोर्ट, SMZ न्यूज़। जी पहला तो आप जो शिव मंदिर का लिता है, मैं मेरी सैकेंड विजिट सी उत्थे उत्थे मेन इशू ये आ रहा है कि पुराने स्ट्रक्चर्स खड़े है तो वो एक खूह के उपर स्ट्रक्चर खड़ा है। सो हाल की कड़ी आप प्रिजर्व कर दिता है, वो आस पास जिनी फिलिंग सी कर दी गई है, बट प्रॉब्लम यह है कि आस पास के जोड़े स्ट्रक्चरस है उन्होंने भी नुकसान हो सकता है। हाल की कड़ी उन्होंने नोटिस इशू कर दिए गए हैं कि अपनी स्टेबिलिटी चैक करवा लीती जाए PWD के राही ताकि किसी कोई जानी नुकसान ना हो सके। रेजिडेंट्स की डिमांड ये है कि बाकी एरिया भी खोद के चैक कर लिता जाए, बट हुण जो मैं मेरी टैक्नीकल टीम ने दसे है कि जे वद एरिया उत्थों खोलिया जाता है तो स्ट्रक्चर्स क्योंकि पुराने हैं उन्होंने नक्शे पास नहीं है, बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स है तो वह ना हो कि खुदाई के दौरान ही घर स्ट्रक्चर्स नुकसान हो जाए। सो अगेन टैक्नीकल टीम उत्थे जाके हुण दोबारा उन्होंने देखूगी कि बाकी स्ट्रक्चर्स कितों तक खोलना सही रहेगा। कुछ गलिया की इन्हों की डिमांड हैगी आप हाउस की मीटिंग पा देंगे, वो पास करवा के वो करवा देंगे काम। दूसरा जिहड़ा आपां इत्थों दा देखिया हैगा ये मेन जिहड़ा रीज़न आपां लोकेट करवा चुके हाँ कि एक तो मैन होल दी उत्थे थोड़ी सीपेज हो रही है, दूसरा अपना सीवरेज दा जिहड़ा हैगा उत्थों पानी जिहड़ा ड्रेन है बारिश का पानी भी ड्रेन करके हौली हौली मिट्टी बह गई हैगी है, वो हो जाएगा 3-4 दिन का प्रोसीजर हैगा उन्हूं प्रॉपर कंपैक्शन करके वो करवा दिता जाएगा जी। जी उत्थे तो मेन कारण यह है कि खूह के उपर ही स्ट्रक्चर हैगा, सो पानी जिहड़ा हैगा बारिश का पानी उपर जिहड़ा नाल दे घरां दा जिहड़ा पानी आ रहा है, इवन मंदिर ते जिहड़ा चढ़ाया जांदा उह काफ़ी देर तक बहुत लंबे समय तक वो हो ही जा रहा है तो वह कंपैक्ट हो गया। इत्थे सीवरेज का क्योंकि घर ने उहदे नाल कनैक्ट कर लिता होया जो कि मैनूं SDO सीवरेज ने दस्सिया हैगा, उहदे करके पानी सीप हो के मिट्टी बह गई है जी। इहदी 5-7 दिन इनू लगनगे, वैसे तो ठेकेदार साहब ने मैंने 4 दिन कहा पर मैं उन्होंने कहा कि प्रॉपर कंपैक्शन जरूर होवे, जल्दी जल्दी चो ना हो दोबारा हो जाए, सो हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं।